बायोकेमिस्ट्री कैमर्स्ट्री की एग्जैक्ट एग्जाम की सीरीज फोर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स से हम क्वेश्चन नंबर हंड्रेड की ओर चलेंगे तो सीधे आप क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन नंबर वन से सेवेंटी फाइव की वीडियोज़ तो आप नहीं देखिए तो प्लीज़ उसे दा चेक कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स है कि फ्रक्टोस एंड गैलेक्ट ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय मतलब ऐसे कौन सा रिएजेंट है जिसकी मदद से इन दोनों में अंतर बताया जा सकता है तो ऑप्शन ए इज सेलिवेन रिएजेंट बी बेनेडिक्ट रिएजेंट सी फेहलिंग रिएजेंट या डी बारफोइड रिएजेंट तो इसका सही आंसर है सेलिवेन रिएजेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण है ए गलेक्टोस बी सुक्रोस डी लेक्टोस या डी माल्टोस तो इसका सही आंसर है ए गैलेक्टोस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इनमें से कौन सा डाइसैक्राइट का उदाहरण है ए ग्लूकोस बी फ्रक्टोस, डी गैलेक्टोस सी सॉरी सी गैलेक्टोस या डी माल्टोस तो इसका जो सही आंसर है वो है डी माल्टोस माल्टोस एक्चुअल में एक डाई है क्वेश्चन नंबर 79, इन माल्टोस बिटवीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कार्बन देयर इज अ लिंकेज कौन से कार्बन नंबर में के बीच में एक लिंक होता है माल्टोस में ए सी वन सी टू बी सी टू सी थ्री सी सी वन सी फोर या डी सी टू सी फोर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वन एंड सी फोर के बीच में इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ ट्रायोस ए ग्लूकोस बी राइबोस सी राइब्यूलोस या डी ग्लिसरल दाइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ग्लिस्रल दाइट क्वेश्चन नंबर एट्टी वन लेक्टोस इज अ डाइसेक्राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर यूनिट लैक्टोज बेसिकली डाइसेक्राइट है कौन सी शुगर यूनिट का निम्नलिखित में से ए ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोस बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस सी ग्लूकोज एंड सुक्रोस या डी ग्लूकोज एंड राइबोस क्वेश्चन नंबर एट्टी वन तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस क्वेश्चन नंबर एट्टी टू आइडेंटिफाई दमीनो एसिड कंटेनिंग नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप इनमें से ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिनमें कि नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप होता है ऑप्शन ए फाइल एलानाइन टायरोसिन एंड ट्रेटोफेन बी ग्लाइसिन एलानाइन एंड ल्यूसिन सी लाइसिन आर्जीनाइन एंड हिस्टिडीन या डी सीरिन थ्रियोनाइन एंड सिस्टीन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी द डिस क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द टू अमीनो एसिड हैविंग आर ग्रुप विथ अ नेगेटिव नेट चार्ज एट पीएच एच पॉइंट जीरो आर ऑप्शंस ए एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट बी आर्जीनाइन एंड हिस्टिडीन सी सिस्टीन एंड मिथियोनाइन या डी प्रोलीन एंड वैलीन क्वेश्चन नंबर 83 थ्री हम देख रहे हैं तो इसका सही जो आंसर है वो है ए एस्पार्टेट एंड ग्लूटमेट क्वेश्चन नंबर 84 फोर अगर पी के वन इक्वल टू टू पॉइंट थ्री फोर है यानी दो दशमलव चौंतीस एंड पी के टू वैल्यू नौ दशमलव साठ देन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी आई इस क्या होगा ऑप्शन ए फाइव पॉइंट एट सेवन बी फाइव पॉइंट नाइन सेवन C 3.67 या फिर D 11.94 तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B 5.97 देखिए इसमें आइसोलेटिक पॉइंट के लिए अगर पीके वन पीके टू वैल्यू दी गई हो तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ उन वैल्यूज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके फॉर्मूला में पुट करना फॉर्मूला जरूर विशेष ध्यान रखें तो 84 का जो सही आंसर है वो है बी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट ए ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन आर सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन फिलाइन फिनाइल एलाइन बी ल्यूसिन इज कॉमनली यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन द बफर्स ऑफ एसडीएस पेज सी एस्पार्टेट इज ए असेंशियल अमीनो एसिड या लाइसिन इज अ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ए दैट इजिप्टोफेन एंड टायरोसिन आर सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन एलानाइन क्वेश्चन नंबर 86 सिक्स कुछ अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड ए बी थ्री ओ नाइन सी लाइसिन या डी हिस्टिडीन तो इसका जो सही आंसर है वो है ए सीरीन क्वेश्चन नंबर 87। सेवन पिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए असेंशियल अमीनो एसिड ए सिस्टीन, बी एस्पैरागिन सी ग्लूटामिन या डी फिनाइल एलानाइन तो इसका सही आंसर है डी फेनाइल एलानाइन क्वेश्चन नंबर एट्टी एट विच ऑफ़ द फॉलिंग इज एन इमीनो एसिड यहाँ पे आप अमीनो से कन्फ्यूज मत होइएगा विच ऑफ द फॉलिंग इज ए इमीनो एसिड ए एला नाइन बी ग्लाइसिन सी प्रोलीन या डी सीरीन तो इसका जो सही आंसर है वो है सी प्रोलिन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन विच अमंग द फॉलोइंग इज बोथ ग्लूकोजेनिक एंड किटोजेनिक ए आइसोल्यूसिन बी ल्यूसिन सी लाइजीन या डी हिस्टिडीन तो इसका सही आंसर है ए ल्यूसिन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एन अमीनो एसिड डेट यील्ड्स एसी टू एसिडाइल सी ओ ए ड्यूरिंग द कैटाबॉलिजम ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन विल बी कंसीडर्ड एस ए ग्लाइकोजेनिक बी कीटोजेनिक सी बोथ ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक या D असेंशियल तो so, इसका जो सही आंसर है वो है बी कीटोजेनिक क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन नंबर ऑफ चिराल सेंटर्स इन आइसोल्यूसिन इज ए वन बी टू सी थ्री या D फोर तो इसका जो सही आंसर है वो है बी टू क्वेश्चन <coughs> नंबर 92, टू वॉट मेक्स वाटर अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मतलब वाटर को जो एक तरल पदार्थ कमरे के तापमान पर कौन सा फैक्टर बनाता है ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स बी कोवेलेंट बॉन्ड सी नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन या डी वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है, अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका जो एक्चुअल में सही आंसर है वो है सिंपल दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर थ्री डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर बी ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन

ऑप्शन वही हैं बस डेल्टा एच की जगह वे वैल्यू आ गई है तो इसका सही जो आंसर है वो है अगेन दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ए वेपोरेशन ऑफ वाटर तो डेल्टा एच एंड डेल्टा जी के लिए अगर वैल्यूज में ऑप्शन हो तो इसे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव वॉट इज द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्ट लाइक एन ए सी एल टू डिजॉल्व इन वाटर ईजली मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि पानी को सॉरी नमक को पानी में बहुत ही आसान आसानी से घुलनशीलता प्रदान करते हैं ए डिक्रीज इन एंट्रोपी बी इंक्रीज इन एंट्रोपी सी इंक्रीज इन एंथेलपी या डी डिक्रीज इन एंथेलपी तो इसका जो सही आंसर है वो है बी इंक्रीज इन एंट्रोपी इसके बाद 96. व्हाट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2260 जूल्स पर ग्राम बी 2260 किलो जूल्स पर ग्राम सी 1260 जूल्स पर ग्राम या डी 1260 किलो जूल्स पर ग्राम वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है तो इसका जो सही आंसर है वो है ए दैट इज 2260 जूल्स पर ग्राम क्वेश्चन नंबर 97 द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ वाटर मॉलिक्यूल इज ए 470 किलो जूल पर मोल इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ इस बार बी 470 सौ पर मोल सी 23 किलो जूल्स पर मोल या डी तेईस जूल्स मोल तो इसका जो सही आंसर है वो है 23 किलो जूल्स पर मोल क्वेश्चन नंबर 98 एट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ओ एच बॉन्ड इन अ वाटर मोलिक्यूल इज ए <coughs> 23 किलो जूल्स पर मोल बी 470 किलो जूल्स पर मोल सी 470 जूल्स पर मोल या डी 23 जूल्स पर मोल तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 98 इसका सही आंसर है 98 का दैट इज बी 470 किलो जूल्स पर मोल क्वेश्चन नंबर 99 नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नंबर वन ओशियंस बी फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, सी जीरो पॉइंट फाइव फोर्टी फाइव परसेंट सोडियम क्लोराइड या डी रेड ब्लड सेल प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर तो इसका जो सही आंसर है नाइनटी नाइन का इस ए दैट इज दिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन टेन परसेंट डेक्सट्रोस इन वाटर बी जीरो पॉइंट परसेंट सी फाइव परसेंट डेक्सट्रोजन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट सोडियम क्लोराइड या डी ओशियंस तो इसका सही जो आंसर है वो है बी देट इज़ीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट सोडियम क्लोराइड तो दोस्तों ये थी हमारी सीरीज फोर और अच्छा है आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी होगी तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा सॉरी <laughs> चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा हो जाता है कभी कभी क्षमा चाहूँगा जल्दी मिलेंगे अगले सीरीज़ में अभी तक की इस सीरीज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद